जी अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केक कोर के हवाले से। केक कोर के ऊपर ये वीडियो जो है इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं नेगेटिविटी जो है वो फैलाई जा रही है कि केक कोर जो है वो स्कैम है, फेक है। तो ए टू ज़ी जो है मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँगा कि क्या ये वाकई स्कैम है या रियल है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी हकीकत बताऊँगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है। अगर कमेंट ना करें तो व्हाट्सएप मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मेरा ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन करें। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है वो भी आप मेरे साथ जो है कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भाई से पूछ सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है केक कोर, ठीक है। ये है इसका पुराना एड्रेस। अगर आपने ये ऐड नहीं किया हुआ तो हमारे पास अभी भी टाइम है, ये वाला एड्रेस जो पुराना है वो ऐड कर लें। सॉरी, ये तो ऐड होगा, ये नीचे वाला न्यू एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस न्यू है। तो अगर आपके पास नहीं है तो मेरा ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पे आके मुझे मैसेज करें तो वहाँ पे मैं आपको ये न्यू एड्रेस जो है इसका प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपके पास सिर्फ जो है ये दो एड्रेस आपने ऐड किए हुए हैं, जो एक जो है कोर्क है, ये वाला ये कोर्क है और ये केक कोर्क का, ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास केक कोर पड़े हुए हैं और इसमें आपके कोर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है ये आपके पास अगर नहीं है तो इसको ऐड जो है लाजमी करें आप, क्योंकि यहाँ से जो टोकन है वो अनडेलीगेट होने के बाद इस एड्रेस के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, जो आप जो है स्वैप करके अपना विड्रा ले सकेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जितने भी आप लोगों के पास केक कोर पड़े हुए थे, आप लोगों ने पकड़ के उनको क्या किया, डेलीगेट किया। डेलीगेट भी आपको पता होगा, यहाँ से आपने डेलीगेट किया। और यहाँ पर मैं आके क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि डेलीगेट हमारे कोर हो चुके हैं, उनको अनडेलीगेट कैसे करें। और ये भी आपको बताऊंगा कि क्या ये जो है आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है क्या आपको बेनिफिट देगा। ए टू जी आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे कुछ लीडर हैं, हम लोगों ने विड्रा जो है इनका किया हुआ है, विड्रा नहीं सॉरी अनडेलीगेट, विड्रा इसका 28 को होगा। अरे यहाँ पे फिर इन्होंने एक बड़ा मसला रखा हुआ है, वो भी अभी लाइव आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा वैलेट है, यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर 1,75,000 के कोर जो है मेरा इस वैलेट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको अनडेलीगेट करता हूँ, क्योंकि ये 16 से स्टार्ट हो गया है अनडेलीगेट होना, अनडेलीगेट करूँगा तो ये टोकन जो मेरे हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ पे, जो न्यू एड्रेस मैंने आपको बताया था, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम यहाँ पर केक कोर का डालते हैं इसके अंदर, ये वाले टोकन इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र हमें हो जाएंगे, यहाँ से जो है हम इनको स्वैप कर पाएंगे। तो यहाँ से जो है हम अनडेलीगेट करने लगे हैं, ठीक है। जब अनडेलीगेट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको फीस शो कर रहा है, चार्जेस वो कह रहे हैं कि 30.9, मतलब 31 कोर जो है यहाँ पे मेरी कोर की गैस फीस यहाँ पे चार्ज होगी जब जाके मेरे ये टोकन जो है वो विड्रा होंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये मेरे जो टोकन हैं ये क्या पूरे विड्रा होंगे या इनमें से कटिंग होगी। सो गाइस, ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कटिंग होगी। कल हमने विड्रा लगाया, आज 12 शाम के 12 बज गए हैं, तो कल की बात ही करूँगा संडे की। तो हमने एक अकाउंट का विड्रा लगाया जिसके अंदर हमारे 5,00,000 टोकन थे, तो हमें मिले वहाँ से 80,000। दूसरे वैलेट का हमने विड्रा लगाया, वहाँ पर मिले हमें 1,20,000, ठीक है। तो टोकन भी ये कंप्लीट नहीं दे रहे, और यहाँ पे 31 कोर की गैस फीस जो लग रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि प्राइस इसकी क्या है, प्राइस भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, मेन स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं आपको बता, अब 1,15,000 जो हमारे आए थे टोकन, उनको मल्टीप्लाई मैं करता हूँ इनकी जो फीस है, सॉरी प्राइस है 0.0047। अब अगर 5,00,000 आपके टोकन थे तो 5,00,000 टोकन में से अगर आपको मिलते हैं 1,15,000 टोकन, ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू बनती है जाके वो बनती है $540, ठीक है। जब हम इनको स्वैप करेंगे तो ये हमें वैल्यू जो है वहाँ से हमें रिसीव होगी। तो अगर इनको हम डिवाइड करते हैं
305 पे 300 सॉरी यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 305 के साथ, 164,000 जो है हमारी लगभग जाके अमाउंट बनती है। अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था यहाँ पे 1,00,000 के कोर, तो वहाँ से हमें जाके रिसीव होता है 20,000 कोर, ठीक है, 20,000 केक जो है वो रिसीव होता है। इनकी अगर वैल्यू बनाते हैं तो इनकी वैल्यू बनती है जाके तकरीबन $100 के लगभग। अभी यहाँ पे तकरीबन $15-20 जो है वो आपके कोर की गैस फीस के ऊपर लगेंगे, और 2,000-1,000 का आपको 1,500-2,000 का जो है 3,000 का आपको कोर केक कोर जो है वो 1,00,000 मिला था। तो यहाँ पे अगर उनकी वैल्यू निकालें यहाँ से, ये 94 USDT हो गया, इनमें से माइनस करते हैं समझ लें 20 USDT, तो फिर भी आपको 69 जो है USDT का आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये स्कैम नहीं है प्यारे भाई, अगर कोर की यहाँ पे गैस फीस लग रही है तो ये स्कैम नहीं कर सकता। तो विड्रा आपको लाजमी देगा, ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपको विड्रा ज़्यादा मिलता है। अगर आपने 10,000-20,000-30,000 लगाया हुआ है तो उनको अनडेलीगेट ना करें, इतनी कम अपने केक और जो है उनका विड्रा करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या रिसीव होगा, ठीक है। आपने अगर 10,000 लगाया तो 10,000 से आपको क्या रिसीव होगा, हो सकता है 10,000 से आपको 300 जो है केक और मिले, 300 केक और की क्या वैल्यू बनती है वो फिर आप खुद बना के देख लें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप लाजमी करें। तो मैं सजेशन ये दूंगा कि अभी जो है कोई भी बंदा अनडेलीगेट ना करे, अनडेलीगेशन के लिए रुक जाए, मैं आपको अपडेट ग्रुप के अंदर कर दूँगा कि अनडेलीगेट जब करना है हमने 24 से, ठीक है, क्योंकि 26 लास्ट है, तो हम 24 से जो है वो स्टार्ट करेंगे कि इनको अनडेलीगेट जो है हमने करना है। तो मैं ग्रुप के अंदर A to Z जो है वीडियो दूंगा, समझा भी दूंगा कि आपने क्या करना है। और एक और मेन सवाल, आपने कोर जो है लाजमी बाय करके रख लेने अभी से, क्योंकि कोर की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। आज सुबह जो है तकरीबन मेरे कोर की वैल्यू थी यहाँ पर देखें 12 USDT, ठीक है, अभी तकरीबन 14 होने वाली है। वीडियो बनाते समय तकरीबन 13.90 थी, अभी 13.95 हो गया। कोर की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो कोर जो है लाजमी बाय कर लें या अपने वैलेट में जो है रख लें, ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके ज़्यादा पैसे ना लगे, कुछ पैसे जो है आपके बच भी जाएँ। तो ये आपने काम लाजमी करना है। देखते हैं यार, ज़िंदगी में रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क लेंगे तो रिस्क में ही रिस्क होता है। तो देखें अभी थोड़ा कम हो गया कोर की प्राइस, तो कोर आप लाजमी जो है बाय करके रख लें अपने वैलेट में। तो नसीब सब लोगों ने यहाँ पे आजमाना है, देखते हैं कुछ या तो आएगा कुछ या तो जाएगा। तो उम्मीद तो है कि ज़्यादातर जिन्होंने 1,00,000 भी टोकन लगाया था उनको भी प्रॉफिट होगा, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद आपने नहीं हारनी, कोर की ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट है तो हमें प्रॉफिट ज़रूर होगा, उम्मीद हमारी ये है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है, व्हाट्सएप मेरा कनेक्ट करें, पाई नेटवर्क के टोकन सेल बाय करने के लिए वो भी मेरे साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।